अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को, अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इस तरह के फिकरात आप बोलते भी होंगे और सुनते भी होंगे, तो आज हम सीखेंगे कि इन फिकरात को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है नाउ व्हाट हैज लेफ्ट। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट का मतलब होता है अब बचा ही क्या है या अब क्या बचा है। ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे नाउ व्हाट हैज लेफ्ट, उसके बाद हम टू का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लगाएंगे, और अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क हम ज़रूर लगाएंगे। ओके, चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट सेंटेंस इज अब बचा ही क्या है बोलने को, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू स्पीक। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू स्पीक, अब बचा ही क्या है बोलने को। हम इस तरह से कहते हैं ना, अब बचा ही क्या है समझने को, क्या समझूं मैं, अब बचा ही क्या है समझने को। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, अब बचा ही क्या है समझने को। अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू इंसल्ट। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू इंसल्ट, अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को। अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। तुमसे बात करके मैं अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को, इस तरह से बोलते हैं ना हम। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टॉक टू यू। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टॉक टू यू, अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। अब बचा ही क्या है बताने को, क्या बताऊं मैं, अब बचा ही क्या है बताने को। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टेल। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टेल, अब बचा ही क्या है बताने को। अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिव इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिव इन द वर्ल्ड, अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को। अब बचा ही क्या है खोने को। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है, इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।